नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच को हार चुकी है। अब कप्तान विराट कोहली भी दूसरे टेस्ट मैच से पहले ही भारत लौट रहे हैं और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में होते हुए भी दूसरे टेस्ट का हिस्सा नहीं है। ऐसे में भारतीय फैंस ने एक मुहिम छेड़ दी है, बीसीसीआई से गुहार लगानी शुरू कर दी है कि रोहित शर्मा का क्वारंटाइन पीरियड कम कराया जाए और दूसरे टेस्ट मैच में यानी कि मेलबर्न टेस्ट मैच में रोहित शर्मा को खिलाया जाए। इसी पर चर्चा के लिए पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा और रितेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया हार चुकी है और पहले टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में हमने देखा था कि कितना खराब और शर्मनाक प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों का रहा था और अब तो विराट कोहली भी दूसरे टेस्ट मैच में टीम के साथ नहीं होंगे। तो ऐसे में ये मांग उठ रही है कि क्या रोहित शर्मा का क्वारंटीन पीरियड जो कि 30 तारीख को खत्म हो रहा है, क्या वो पहले खत्म हो सकता है? क्या बीसीसीआई इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से कुछ मांग उठा सकती है और रोहित शर्मा का होना टीम में कितना जरूरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ इस समय चेतन शर्मा जी जुड़ गए हैं, भारत के पूर्व क्रिकेटर इस वक्त हमारे जुड़े हैं। मेरे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी जुड़ गए हैं। चेतन बाजी, रितेंद्र बाजी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल चेतन बाजी आपसे, कितना जरूरी है रोहित शर्मा का इंडियन टीम में होना, इंडियन स्क्वाड में होना, वो भी तब जब विराट कोहली भी टीम में नहीं है? देखिए, रोहित शर्मा जितने बड़े प्लेयर हैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। रोहित शर्मा का टीम में रहना, टीम में खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहते हैं ना, हर कंट्री का एक रूल है। क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का है तो 14 दिन का वो क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना बहुत जरूरी होगा। लेकिन इंडिया के अगर मद्देनजर से देखें तो हम चाहेंगे कि वो 10 दिन में खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पर रोहित शर्मा कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो अभी हमने देखा, कितने दर्शक चाहते हैं कि रोहित शर्मा दूसरा टेस्ट मैच खेले, लेकिन वो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना होगा रोहित को। और रितेंद्र बाजी, जो रिकी पोंटिंग है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन, वो भी इस बात की वकालत कर चुके हैं कि जितना जल्द हो रोहित शर्मा को टीम में होना चाहिए और एज एन ओपनर उनकी टेक्निक का कोई तोड़ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। एज अ ओपनर या बतौर बल्लेबाज वो दिग्गज हैं, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो अगर रोहित टीम में होते हैं दैट वुड बी ग्रेट। और जैसी डिमांड आ रही है, सब भारतीय कह रहे हैं, जो हालात हमारे पहले टेस्ट मैच में रहे हैं तो रोहित का होना बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं चेतन जी से एग्री करूंगा, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज और ये कोरोना वायरस की गाइडलाइंस हैं, सबसे पहले सेहत है रोहित की और सबकी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड रखा गया है, तो मुझे नहीं लग रहा है इस पे कोई चांस लिया जाएगा और पर्सनली लेना भी नहीं चाहिए। चेतन भाजी, लेकिन एक चीज है कि आपको लगता है कि बीसीसीआई से कहीं कुछ चूक हो गई है, कुछ पहले रोहित का अगर टेस्ट ले लिया जाता, क्योंकि ये 4-5 दिन का ही हेरफेर हो रहा है। 26 तारीख से टेस्ट शुरू है और 30 तारीख को रोहित का क्वारंटीन पीरियड खत्म हो रहा है। ये 4-5 दिन का हेरफेर है जो कि रोहित को इस टेस्ट से महरूम कर देगा। तो कोई चूक बीसीसीआई से हुई या बीसीसीआई पहले इनिशिएट कर सकती थी इस टेस्ट को? देखिए, डेट फिक्स हुई थी और फिटनेस लेवल किसी भी खिलाड़ी के लिए और टीम के में जाने से पहले एक जो फिटनेस टेस्ट की जरूरत होती है वो सभी के लिए मतलब सामान्य है। और जो डेट फिक्स की गई, पूरी दिमाग में हर चीज रखी गई होगी। देखिए, हम लोग यहाँ बैठकर बहुत आसान है, हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां सबको आइडिया होगा कि इतने समय पे जाएंगे अगर रोहित शर्मा, इतना समय उनको क्वारंटाइन लगेगा, डेफिनेटली वो दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। अगर कहीं परिस्थितियां होती तो जरूर करता, लेकिन ऐसी परिस्थितियां होंगी नहीं। यही एक कारण है कि रोहित शर्मा 2 टेस्ट मैचेस के लिए बाहर है और अगले 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। यानी कि अब सेकंड टेस्ट में खेलने की संभावना तो समझ लीजिए कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वारंटीन पीरियड पूरा करना है, लेकिन उसके बाद भी 2 टेस्ट मैच बचते हैं, क्योंकि तीसरा टेस्ट मैच रितेंद्र पाजी 7 जनवरी से शुरू होगा। तो आपको क्या लगता है कि किसकी जगह रोहित शर्मा रहेंगे ओपनर के तौर पर, किसको रिप्लेस कर सकते हैं? शुभमन गिल को रिप्लेस करेंगे या किसको करेंगे? ये कहना बहुत ही मुश्किल है अभी, क्योंकि इस समय तो रिप्लेसमेंट्स बहुत नजर आ रही हैं। जैसे हम पहला टेस्ट मैच खेले हैं, अब स्पेकुलेशंस हैं, अगर हम बहुत अच्छा खेलते हैं, अगर जीत जाते हैं टेस्ट मैच तो किसकी जगह रोहित शर्मा आएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अगर हम अच्छा नहीं खेलते हैं तो कैसे सिनारियो बनेगा, तो ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। लेकिन रोहित शर्मा तीसरा चौथा टेस्ट मैच जरूर खेलेंगे, एज अ ओपनर खेलते हैं, एज अ मिडिल ऑर्डर खेलते हैं, ये तो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। बट आई एम श्योर रोहित के आने से बहुत
फर्क पड़ेगा। जो इम्पेटस की जरूरत है भारतीय टीम को विराट के जाने से, वो रोहित पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि एक संबल मिलेगा रोहित शर्मा की वापसी से कि हाँ भाई, एक मजबूत पिलर, एक मजबूत खिलाड़ी, और ऐसा खिलाड़ी जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट काफी बेहतर है, वो टीम के साथ है। तो दूसरा टेस्ट मैच जो कि मेलबर्न में होने जा रहा है, जिसको बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जा रहा है, उसमें न तो विराट कोहली होंगे न रोहित शर्मा होंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि नंबर चार की पोजीशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, उस पोजीशन पर कौन को खेलेगा। मेरे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, मैं चेतन भाजी मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि नंबर चार के लिए सेकेंड टेस्ट मैच में सबसे मुफीद कौन रहेगा? क्या वो अचिंक्य रहाणे हो सकते हैं, क्योंकि नंबर चार पर खेलने का एक्सपीरियंस अभी उन्हीं के पास है। केएल राहुल को भी नाम लिया जा रहा है, ऋषभ पंत का भी नाम लिया जा रहा है, और कई सीनियर्स जो हैं वो कुछ केएल राहुल की वकालत कर रहे हैं। जैसे रिकी पॉन्टिंग, वो कहते हैं कि राहुल को खेलना चाहिए, लेकिन एमएसके प्रसाद की पसंद ऋषभ पंत है। आपको क्या लगता है नंबर चार के लिए कौन सबसे मुफीद रहेगा अभी सेकंड टेस्ट मैच में? देखिए, नंबर चार के लिए मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि केएल राहुल पहला टेस्ट मैच नहीं खेले, इतना आसान नहीं है। नंबर तीन पर चेतेश्वर पुजारा, नंबर चार पर अजिंक्य रहाणे, आप अपने बेस्ट प्लेयर्स डालते हैं तीन चार पांच के ऊपर, एंड देन केएल राहुल नंबर पांच पे आ सकते हैं। ऋषभ पंत देखिए, अगर वो खेलते हैं तो नंबर छह पे ही बल्लेबाजी करेंगे एज ए विकेट कीपर, बट तीन चार पांच मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे को ही नंबर चार खेलना चाहिए, और चेतेश्वर पुजारा ऑटोमेटिकली तीन नंबर पे और पांच पे केएल राहुल। रतिंदर बाजी, आपको क्या लगता है, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि नंबर चार पर कौन परफेक्ट बैठेगा? क्योंकि एक्सपीरियंस के लिहाज से अगर हम देखें तो इस पर खेलने का जो अनुभव है वो अचिंक्य रहाणे को भी है, और टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन भी हैं अचिंक्य रहाणे। जी हाँ, एक्सपीरियंस आदमी की तीसरी आंख है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा अजिंक्य रहाणे के पास है, तो नंबर चार पे तो लगभग उनकी जगह पक्की है। लेकिन जिस तरह पहले टेस्ट मैच में घटना घटी है, 36 में हम ऑल आउट हुए हैं, यहाँ पे टीम मैनेजमेंट काफी विचार करेगी। अब क्या चेंजेस होते हैं, सहा की जगह पंत आते हैं नहीं आते हैं, शुभमन गिल आते हैं नहीं आते हैं, तो ये तो अब वहां मैनेजमेंट जानती है। लेकिन ऑल सेट एंड डन, भारतीय टीम इस समय हर्ट है, और हमें ये भी जानना होगा कि जो शेर जख्मी होता है ना, वो खतरनाक होता है। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि अगले टेस्ट मैच में जो भी होगा भारत के पक्ष में होगा। अच्छा चेतन पाजी, सुनील गावस्कर ने एक नया ऑप्शन दिया है, उन्होंने कहा है कि केएल राहुल से ओपन कराइए और शुभमन गिल को आप नंबर चार या पांच पोजीशन पर खिलाइए। तो ये जो एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है सेकंड टेस्ट मैच के लिए, आपको लगता है कितना मुफीद रहेगा टीम इंडिया के लिए? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं किसी को गलत और किसी को सही करना नहीं चाहूंगा, बट मेरा हर समय मानना है जिस पोजीशन पर आप खेलते आए हैं वो पोजीशन आपके लिए सबसे अहम रहती है। अब शुभमन गिल को अगर मौका मिलता है, वो ओपनर है, तो उनको आप मिडिल ऑर्डर पे नहीं खिला सकते। एक तो उनका पहला टेस्ट मैच होगा, आप उनको पीछे धकेलेंगे, जो एक्सपीरियंस उनका है वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि वेस्ट होगा। और केएल राहुल अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा जाए तो वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, इवन वनडे इंटरनेशनल में भी उनको जब मौका मिलता है तो वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। स्पिनर को नेथन लॉयन जब करेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं केएल राहुल। तो डिपेंड करता है किसको मौका मिलेगा, बट एंड ऑफ द डे फिंगर्स क्रॉस्ड, सभी हिंदुस्तानी यही चाहते हैं कि भारतीय टीम वो पहला टेस्ट मैच भूल जाए। ये सोचे कि ये तीन टेस्ट मैच की सीरीज है और अपना ये टेस्ट मैच, मेलबर्न टेस्ट मैच शुरू करे और जीत के साथ शुरू करे, यही सभी की शुभकामनाएं है भारतीय टीम को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं चेतन भाजी, की अब उसको डिलीट कर देना चाहिए मेमोरी से पहले टेस्ट मैच को, और अगले जो तीन टेस्ट मैच है उस पर फोकस करना चाहिए और एक शानदार जवाब देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो बर्न्स का यह कहना है कि भारतीय टीम अभी भी सीरीज में वापसी कर सकती है। तो जो बंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, उनका भी ये मानना है कि टीम इंडिया इस सीरीज में अभी वापसी कर सकती है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है रितिंदर, कि विराट कोहली कल टिकट पकड़ लेंगे और कल फ्लाइट पकड़ लेंगे इंडिया वापसी के लिए, लेकिन उससे पहले वो अपने टीम के खिलाड़ियों के साथ एक मीटिंग सेशन रख रहे हैं। कोई प्रैक्टिस सेशन कल नहीं होगा, एक मीटिंग सेशन वो रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस मीटिंग सेशन में वो क्या चीज़ अपने खिलाड़ियों के बीच रखेंगे, क्योंकि वो खुद तो मौजूद होंगे नहीं आगे आने वाले टेस्ट मैच में, तो क्या उनकी बातचीत होगी, क्या उनका फोकस रहेगा जब वो अपने टीम मेट से बातचीत कर रहे होंगे?
जी हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय भारतीय टीम एक बड़ा टेस्ट मैच हारी है, बिल्कुल ठीक, उसको अब भूलना होगा, दैट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट नाउ। तो विराट कोहली यही कहेंगे अपनी टीम को कि छोड़ना मत और अपने आप में सेल्फ बिलीफ रखना और हम ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर सकते हैं। पिछले मैच में हो सकता है समय खराब था लेकिन हम वापसी करेंगे। तो ये मोटिवेशन, मच नीडेड मोटिवेशन बहुत जरूरी है और हमें ये भी यहाँ पे मानना होगा विराट मौजूद नहीं है, रोहित शर्मा मौजूद नहीं है, तो यंगस्टर्स के लिए जो भी खेलेगा बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड दैट कैन बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो अब कौन सा लड़का चमकेगा ये समय बताएगा। अच्छा चेतन भाजी, अभी अगर मैं बात रोहित शर्मा के परिप्रेक्ष्य में करूं तो कुछ वक्त हो गया है उनको टेस्ट मैच से दूरी बनाए हुए, वो एकदम से आएंगे जो 7 जनवरी को टेस्ट मैच होगा और बहुत प्रेशर भी होगा रोहित के ऊपर, तो आपको लगता है इन सब चीजों से कुछ फर्क पड़ता है? उनको समय मिलेगा प्रैक्टिस करने का और देखिए बहुत बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। प्रेशर तो कहते हैं ना, जितना मर्जी बड़ा, जितना बड़ा प्लेयर होगा प्रेशर उतना ज्यादा होता परफॉर्म करने का, तो वो प्रेशर कहते निकल जाता, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा का वहां टीम में रहना, टीम में ग्राउंड पे खड़े होना, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होगा पूरी टीम के लिए। और डेफिनेटली मोहम्मद शमी जैसे इंजर्ड हुए हैं, आपको एक नया तेज गेंदबाजी होगा, तो कहीं ना कहीं कहते ना चीजें भारतीय टीम के लिए विराट का ना होना, रोहित का ना होना, मोहम्मद शमी का नहीं होना, तो ये यंगस्टर्स के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो अपनी जगह को सीमेंट कर लेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रितिंदर, बॉक्सिंग डे टेस्ट में आपको क्या लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, बहुत चेंजेस मिलेंगे क्या देखने को? ये बड़ा सवाल है क्योंकि टीम, जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है, टीम कॉम्बिनेशन अब क्या होगा, ये तो बेहतर अब अजिंक्य रहाणे जो कप्तानी करेंगे वो जानते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस लग रही हैं, स्वीपिंग चेंजेस लग रही हैं। अगर आप ओपनिंग स्लॉट की बात करते हैं, वहां पे चेंज हो सकता है, मोहम्मद शमी अवेलेबल नहीं है, फास्ट बॉलिंग स्लॉट खाली है, तो वो स्लॉट किसको मिलता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन यहाँ पे जो भी खेलेगा मैनेजमेंट जरूर वहां पे जब नेट प्रैक्टिस हो रही है देख रही होगी कौन सा लड़का बेहतर फॉर्म में है, प्रैक्टिस मैच में किसने ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है, तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए 11 चुनी जाएगी। और 11 यहां पे चुननी, सही चुननी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ा मौका है और यही मौका है भारत के पास वापसी करने का। बिल्कुल यही मौका है भारत के पास वापसी करने का क्योंकि अभी रोहित शर्मा के खेलने का कोई चांस है नहीं सेकंड टेस्ट मैच में, तीसरे टेस्ट मैच खेल पाएंगे, तो ये सेकंड टेस्ट मैच जो होने जा रहा है बॉक्सिंग डे टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और यही तय करेगा टीम इंडिया की दिशा इस सीरीज़ में आगे क्या होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेतन शर्मा जी और रितिंदर सोडी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस पर डिस्कशन किया, अपना जो आपने एक्सपर्ट राय है वो आपने हम तक पहुँचाई है। तो दूसरे टेस्ट मैच में किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी टीम इंडिया देखने वाली बात होगी और यहाँ पर टेस्ट भी है एक तरीके से अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी का क्योंकि दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे ही टीम की कमान को संभालने जा रहे हैं। देखते हैं क्या दिशा वो टीम को देते हैं और बॉक्सिंग डे टेस्ट का क्या रिजल्ट रहता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।